नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। हमारे साथ है हमारे संवाददाता उन्नाव के ब्यूरो हेड अजय द्विवेदी। अजय जी नमस्कार। आज उन्नाव के लिए बड़ा दिन था, अभी जानते हैं। आज उन्नाव में सीएम योगी जी का आगमन हुआ और आगमन हुआ तो वो करोड़ों की सौगात लाए। उन्नाव के फतेहपुर चौरासी स्थित चंद्रिका खेड़ा गाँव में शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा और स्मारक का उन्होंने लोकार्पण किया। साथ ही सीएम ने जिले के लिए 242 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण किया है। कुल 103 विकास योजनाओं की सौगात दी है। इसके साथ ही आज सभी नेता, अगर जो भी थे बीजेपी के खासकर अधिकारी, सब वहीं बांगर फतेहपुर चौरासी की तरफ मुस्तैद थे। अजय, आज आप रैली कवर करने गए, पहली बात क्या माहौल दिखा? यह है, एक पे एक सीट जीतती जा रही है और ग्राफ पड़ रहा है कम नहीं हो रहा है। उस हिसाब से कम करके आंकना तो हम कहते हैं कि गलत होगा, लेकिन अगर जनपद उन्नाव की बात की जाए तो जनपद उन्नाव में जिस हिसाब से बिहेवियर रहा, राहुल गांधी जी आए थे कांग्रेस का, यहां से तो उनका प्रत्याशी जो कि नहीं है, यहां से प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का अनुटन जी है, तो जमीनी स्तर देखा जाए तो फाइट तो बहुत तगड़ी होगी। अब ये तो लोग जैसे लहर है, तो लहर तो है भाजपा की, इसमें शंका नहीं है, लेकिन अगर उन्नाव के लिए कहा जाए तो अभी बहुत तगड़ी लहर मानी जाए तो अनु टंडन की भी लहर कम नहीं है, इसलिए कि वो कद्दावर नेता हैं और जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, व्यक्तिगत तौर से लोगों के बीच में काम किया है उन्होंने। उस हिसाब से तो राहुल जी लगता है कि ये हवा तो कहीं ना कहीं टकराएगी। मतलब उन्नाव में देखो, उन्नाव जो सिटी एरिया तो है, वैसे भी बीजेपी के पक्ष में ज्यादातर सभी लोग दिखते हैं, तो बैसवारा साइड में अनु टंडन को माना जाता है। बैसवारा साइड में अनु टंडन का थोड़ा सा ज्यादा मजबूत पक्ष है। सीएम योगी आज आए, उन्होंने आए हैं पहली रैली, तरीके से कहें चुनाव से जस्ट पहले। संभावना जताई जा रही कि कल या परसों में जो है लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, जल्दी, ज्यादा दिन नहीं बाकी है, ऐलान हो जाएगा और मार्च लास्ट से या अप्रैल पहले सप्ताह में ही पहले चरण के मतदान की संभावना है, क्योंकि 6 से 7 चरणों में मतदान होंगे। तो एक तरीके से कहें लोकसभा चुनाव से पहले की सबसे पहली जनसभा थी। जनसभा में लोग नहीं आए, लेकिन जिस तरह से शिलापट लगे हैं, योजनाओं का जो सौगातें तो हैं, करीब बहुत सारी 242 करोड़ की सौगातें मिली हैं, तो नौ तो एकदम जगमग हो जाना चाहिए। बिल्कुल हो जाना चाहिए। बस देखो, जिस हिसाब से उन्होंने लोकार्पण किया है, जितनी योजना, जितना पैसा यहाँ के लिए देके जा रहे हैं, अगर इतना पैसा लग जाता है तो मल्ले के विकास तो वहां का राहुल जी बहुत अच्छा हो जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से रुझान होना चाहिए वो रुझान अभी खुल के नजर नहीं आ रहे। हो सकता है कि आगे बढ़ जाए, अभी तो पब्लिक चुनाव के मूड में नहीं आई। और सीएम योगी ने तो अभी हाल ही में होली का तोहफा भी महिलाओं को दिया है, सिलेंडर फ्री सिलेंडर, उज्ज्वला योजना वाले जितनी महिलाएं उनको सौगात दी गई है, तो इस समय तो कहे तोहफों की भरमार लगी पड़ी है, यहाँ से तोहफा, वहां से तोहफा, इतने करोड़ उतने करोड़ सब मिल रहे हैं। अब नौ चमकता है कि नहीं चमकता, ये देखने वाला जरूर बात रहेगी, क्योंकि जल्दी चमकता नहीं। जैसे उन्नाव का स्टेशन, उन्नाव रेलवे स्टेशन की बात हो रही थी, कुछ महीनों पहले ही उन्नाव रेलवे स्टेशन का किया था कि कायाकल्प हो जाएगा और शायद दुबई के भी स्टेशन फेल हो जाएंगे, लेकिन अभी भी मुझे तो उन्नाव स्टेशन वैसा ही दिखता जैसे था। लेकिन धरातल पे कितना काम हो रहा है ये देखने वाली बात है। और फिर सबसे बड़ी चीज है कि संयाब है कोतवाल तो डरकाहे का, अगर बीजेपी की सरकार है और कद्दावर नेता उसका पदाधिकारी है तो फिर उसमें डर किस बात का, क्योंकि जो सरकार है वो सरकार सपोर्ट तो अपने बच्चे को अच्छा ही कहेगी ना, खराब तो नहीं कह सकती है। रेलवे स्टेशन भी मैं गया, लेकिन वहाँ राहुल जी बड़ी दयनीय दशा है वहाँ की, अगर कोई महिला बाथरूम करना चाहे तो उसके लिए सुरक्षित व्यवस्था, साफ सुथरी व्यवस्था आपको नहीं मिलेगी, दरवाजा टूटा है, शौचालय जाने के लिए अगर किसी को पड़ जाए तो पानी नहीं है, टंकी सूखी पड़ी है, अगर पीने का पानी आप देखे तो महीनों से टंकी साफ नहीं हुई होगी, बाहर उसका जाला लगा हुआ है, पानी तो निकल रहा है। कहीं तो यह है कि हर जगह आरओ वाटर वाला लगा दिया जाता है, लेकिन अभी आरओ वाटर का लगा है आपको शायद ही मिल पाए, नहीं आरओ वाटर का बकायदा उसमें लगा हुआ, बस दिक्कत नहीं है कि चलता नहीं है, वो उसमें कुछ है ही नहीं, सिस्टम ही उसका सब फेल है, नहीं होता तो कहां चलेगा।
बंद पड़ा है वो। बताओ, लोग रोजाना लोगों को बस समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत ही उन्नाव जनपद में जो रेलवे स्टेशन है बहुत ही खराब पोजीशन है। अच्छा, चलो उन्नाव को हम छोड़ते हैं। जी उन्नाव में 10 साल बीजेपी सरकार को हो रहे हैं, अभी भी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो जो बाकी हैं और जिन पे ध्यान देना चाहिए था, जो अब तक शायद सुधर जानी चाहिए थी, लेकिन अभी भी दस की तस बनी है। जी राहुल जी, कई समस्याएं अभी हैं जिनमें कि प्रमुख समस्याएं जो है, जैसे बाहर के रोडे जो है, बाहर की रोडों का जाल तो गवर्नमेंट बहुत अच्छा बना रही है। गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, कई एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। जो पुरानी रोडे हैं वो धराशायी हो रहे हैं, दोबारा बनेंगी, क्योंकि डंपर बहुत चल रहा है, बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं बगैर नंबर के, कुछ नंबर के भी। इस तरह काम रात दिन इतनी स्पीड से तेजी के साथ चल रहा है कि आइए कोई वाली हम रोड बिजली देखिए की। कैसे सब अच्छी है। हाँ, लेकिन जो बस्ती के अंदर की पोजीशन है राहुल जी, वो सुधरने का भी नाम नहीं ले रही है। नगर पालिका के अंतर्गत जो भी काम आते हैं उनमें पूरी तरह से सक्रियता के साथ काम नहीं हो रहा है राहुल जी। साफ सफाई के काम बहुत गड़बड़ है राहुल जी। उसके अलावा सबसे जो विशेष समस्या जनपद जनपद उन्नाव की होना चाहिए, जिसमें कि सबसे पहले पेयजल व्यवस्था की कई योजनाएं ऐसी चल रही हैं जिनमें कि लोगों को पानी, स्वच्छता, स्वच्छ पानी देने का वादा कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन जनपद उन्नाव के अंदर शिवनगर जैसे ऐसे मोहल्ले, ऐसे जगह है जहां पर कि लोग पानी के लिए बूंद बूंद को तरस रहे हैं कि मतलब वहां का पानी खारा है, दूषित है, किसी प्रकार का पानी नहीं है। तो इन सुविधाओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंदर बस्ती के अंदर के काम भी बहुत बाकी है राहुल जी। ऐसा कई देखो कई रिपोर्टर हैं, न्यूज रिपोर्टर हैं, पत्रकार भी, वो निकालते दिखते हैं कि उन्नाव में प्रदूषण की भी समस्या बहुत है। तो उन्नाव औद्योगिक क्षेत्र है, ज्यादातर एरिया में फैक्ट्रियां हैं, लेकिन उन फैक्ट्रियों में किस तरह से जो वेस्ट मटेरियल का निपटारा होता है उस पर सवाल कई लोग पत्रकार उठा चुके हैं कि ढंग से नहीं किया जाता है, जिससे उस क्षेत्र के आज जो लोग रहते हैं उस क्षेत्र में उनको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात, जो नए मोहल्ले और नई कॉलोनियां बसी हैं, ठीक है, शायद ऐसे बसी हों, लेकिन अब भी उन्नाव सिटी के अंदर भी कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर सही से पानी निकास की व्यवस्था नहीं है। हर बार चुनाव होते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष आते हैं, नया नगर पालिका अध्यक्ष आता है, दावे बहुत होते हैं, लेकिन अभी भी ऐसा है कि निकासी की व्यवस्था नहीं है। अमृत जल योजना जो है वो कितने सालों से चल रही है, अभी तक उसको ढंग से क्रियान्वयन नहीं किया गया है कि ढंग से लोगों को पानी मिलना शुरू हो जाए। जहां आपको लगता है पानी की टेस्टिंग होती है, वो घर में पानी निकलने के जाए रोड से पानी निकलने लगता है। जो जी रोड अच्छी खासी होती है वो भी धस जाती है, वो भी बंटाधार हो जाता है। आधी रोडे उन्नाव की खुद ही पड़ी है राहुल जी, हाँ, आधी रोडे रोडे खुली खुली पड़ी पड़ी, हैं। आधी रोड आधी रोडों को एकदम खोखला अमृत योजना कर दे रही है, जिसके चक्कर में रोड खोद के पाइप डाला गया। अब उन पाइपों से जब पानी की टेस्टिंग होती है तो पानी बीच ही रोड में निकल आता है, तो बेचारे कैसे, गर्मी आती है, धूप आती है तो सूखता है, तो फिर से वो कीचड़ हो जाता है। लोग इसी चीज से परेशान है, लोग कह रहे हैं पानी आए ना आए, लेकिन ये बीच रास्ते में तो पानी ना भर जाए, घरों तक एक तो पहुंचना समस्या का जरूर निदान है। नहीं होता, दूसरी समस्या खड़ी हो जाती। वही तो, बहरहाल पीएम योगी ने करीब बता रहे हैं 242 करोड़ योजनाओं का शुभारंभ तो किया है। वैसे तो हर बार जब भी सीएम योगी जी आते हैं तो 400 करोड़ 200 करोड़ दे ही जाते हैं। अब उसमें से कितना लगता है कितना नहीं लगता है, ये तो आप अपने क्षेत्र में रहते हैं तो आपको दिखता ही है। अभी कुछ दिन पहले एक उन्नाव की रोड का वीडियो वायरल हुआ था, अजय आपने भी देखा होगा कि औरत ने हाथ से उखाड़ दिया पूरी रोड को, दिखाया कि देखिए किस तरह से काम चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं करोड़ आते हैं तो कितने रोड पे लगते हैं और कितने फिर सभी के जेब में लगते हैं, सबसे बड़ी खास बात खास यह है जगह। राहुल जी कि उसके कंप्लेंट करने के बाद भी अधिकारियों ने उसकी पुष्टि की कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लोग आंखों से लाइव दिखा रहे हैं, उसके बाद अधिकारी कह रहे हैं इसमें कुछ नहीं है, सब ठीक टनाटन बढ़िया मानक के हिसाब से बन रही। सबसे बड़ी तो ये है। और कमाल वे ये कि पहले जब वीडियो वायरल हुआ उसका कि ये इस तरह देखिए लोग, पहले कुछ लड़कों ने किया, उन्होंने उस वीडियो को निकाला कि ये तरह से रोड बन रही है कि बस बिछा दिया, डामर बिछा दिया। उस पर अधिकारियों की सफाई आती है कि भाई ये ऐसे नहीं, इन्होंने जानबूझ के, गरम तारकोल था तो उन्होंने जानबूझ के निकाल दिया ताकि आसानी से निकल जाए, चिपकता नहीं। अगले दिन जब वो सब पूरी तो वायरल हुए, यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने भी उसे ट्वीट किया और भी विपक्षी पार्टियों ने इस पर तर्ज कसा, तब जब लखनऊ से अधिकारी अगले दिन पहुंचे, जब रोड सूख चुकी थी, तब वहां की जो एक वो कहें ग्राम पंचायत सदस्य महिला थी,
वो वहां पहुंच गई, उसने फिर से हाथ से उखाड़ के दिखा दिया कि देख लिया अब तो चिपक गई होगी, अब देखिए कैसे लोग निकल रहे। तब उन अधिकारियों को मानना पड़ा हाँ नहीं गड़बड़ काम हुआ है और इसमें ठेकेदार जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल ये अब चुनावी सवाल आपको देखने को जरूर से जरूर मिलेंगे, क्योंकि अब बिल्कुल राव जी दूर नहीं जाते हैं। हाँ दूर नहीं जाते हैं। एक खबर हमने पहले निकाली थी एसपी ऑफिस के सामने की, जहां की अब सेल्फी पॉइंट बन चुका है। तो एसपी ऑफिस के सामने की हमने जबरदस्त खबर निकाली थी, उसका खैर असर हुआ, नगर पालिका ने उसको ध्यान दिया और साफ सफाई करी, वहां पे अच्छी खासी रोड बनाई। ये पूरा पुलिस लाइन की तरफ जो रास्ता जा रहा है एसपी ऑफिस से। अगर प्रेजेंट टाइम की पोजिशन देखे तो भाई साल नहीं पूरा हुआ राहुल जी, एसपी ऑफिस का गेट छोड़कर दो कदम दूरी आगे बढ़ेंगे आप, वही पोजीशन रोड की फिर होगी। पता नहीं किस मानक से बनाया, अभी पांच साल क्या साल भी नहीं चली। अच्छा उन्नाव के सेल्फी पॉइंट की हम बात करें, एक तो विकास का परिदृश्य ज्यादातर यही होता है कि देखिए ये चमक रहा है, ये अच्छा सुंदर दिख रहा है, ये पार्क है, इसी को माना जाता है कि ये विकास का है। सेल्फी पॉइंटों की हालत कैसी है? प्याला पार्क के पास सुना उन्नाव से एन गायब हो गए हैं, ए गायब हो रहे हैं, किसी की लाइट जल रही किसी की नहीं जल रही है, और वो जो गांधीनगर के पास डॉल्फिन वाला वो बना हुआ है उसमें तो मैं देखा है कि नहीं, हाथ से मैंने खुद देखा, मैं बाई चांस रुका था देखा तो इतनी जमा थी कुछ कहने को नहीं। नहीं नहीं राहुल जी, इसमें जो सेल्फी पॉइंट है उसका मकसद एक होता है मेरे हिसाब से, कि व्यक्तिगत मानना है मेरा कि लोग सेल्फी पॉइंट बनवा देते हैं नेता लोग अधिकारी लोग, और बनवाने के बाद उसके साथ सेल्फी ले लेते हैं, उसके बाद उसका क्या पोजीशन कोई देखने वाला नहीं है। अब जो आप गांधीनगर की बात कर रहे हैं, प्रतिदिन मैं दिखा सकता हूं कि प्रतिदिन जो है उस जो सेल्फी पॉइंट है उसके सामने बन गया है वो स्टैंड, उसके सामने बकायदा मोटरसाइकिलें और ऑटो वगैरह खड़े कर सकते हैं, वहां पर वाहन खड़े होने का एक अड्डा बन गया कि इतनी जगह जो है ये सेल्फी पॉइंट के सामने सेल्फी लेने के लिए नहीं, पूरा पार्किंग स्थल वहां पे बना दिया गया है, बिल्कुल पार्किंग गाड़ी खड़ी कर सकते हो, गाड़ियों के पीछे वो सेल्फी पॉइंट वेलकम टू उन्नाव या आई लव उन्नाव छुप जाता है, बिल्कुल गाड़ियां वहां पार्क करने के दिल्ली अड्डा बन चुका है, अभी कर रख रखाव नहीं है, तो इसका क्या मतलब मेरी समझ में नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात है जब बने हैं तो कर रख रखाव तो किया जाए, साफ सफाई तो की जाए, और उसमें मिट्टी जमा हो रही है जमा हो रही है, जब कोई अधिकारी नेता आया तो उसकी सफाई हुई तो सफाई हुई, नहीं तो डॉल्फिन बेचारी सोच रही है हम कहां खड़े हो गए आके, हमको भी कोई पूछ नहीं रहा। राहुल जी नेतागिरी इस तरह हावी है कि गांधीनगर तिराहे पे लाखों रुपए लगाकर बीच में जो फव्वारा लगाया गया है, भाई डॉल्फिन वाला फव्वारा मैं बोल रहा हूँ जी, पानी वाला फव्वारा जो बीच में लगाया गया गांधीनगर तिराहे पर, इसमें हम आपको विजुअल दिखाएंगे कि जब कोई नेता नगरी निकलती है, कोई भाषण होता है, कोई जुलूस होता है, कोई रैली निकलती है, तो चारों तरफ से नेताजी के पोस्टर लगाकर जो है उसको फव्वारे को ढक दिया जाता है। मतलब वो सुंदरता के लिए, उन्नाव की सुंदरता के लिए जो चीज लगाई गई है, किस पे से उन्नाव सुंदर दिखेगा, कोई यहाँ से एंट्री करेगा तो कहेगा भाई बहुत सुंदर उन्नाव है, तो वहां वो फव्वारा नहीं दिखेगा आपको, चारों तरफ से उसमें से आपके नेताजी के पोस्टर दिखेंगे। सबसे ऊपर जो बोर्ड लगे हैं राहुल जी, उस बोर्ड पे लिखा हुआ है उन्नाव में आपका स्वागत है, लेकिन वो स्वागत नहीं दिखेगा, वहां पे आपको बड़े बड़े बैनर लगे हुए नेताओं को दिखेंगे। अरे ये सब क्या है ऐसा बच्चों से, अगर वहां जो कर्मचारी अधिकारी है वो फिर देख क्या रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं। अच्छा अभी हमने आज सुनने में आया था उन्नाव की खबर के बारे में, ये भी सुनने में आया था, ई रिक्शा को जो है वो गांधीनगर तिराहे से लेकर बड़े चौराहे तक ई रिक्शा को बैन करने का था, और जो साइकिल वाले रिक्शा थे उनको छूट देने की बात थी ताकि ट्रैफिक जाम ना लगे, तो इसमें कुछ अमल हुआ है क्या? राहुल जी कहते हैं हिंदी के पर्यायवाची शब्द होते हैं, कई एक अर्थ के कई अर्थ और अनर्थ दोनों लगाए जा सकते हैं। उसी तरह एक रिक्शा वालों की कहावत है कि तुम डाल डाल हम पात पात, वो गांधीनगर से रोक तो लगा दी गई है पर रिक्शा बराबर कम नहीं हुए हैं, रिक्शा बराबर आ जा रहे हैं, कारण उनका ये होता है कि वो बताते हैं इस दुकान से मैं सामान लोड करना है, अब जो कर्मचारी खड़ा है वो दो बार तीन बार झटका लगाएगा, अरे भाई सामान लोड करना है, वो इस बहाने से अंदर घुस जाते हैं, उसके बाद सवारी भगते इतनी स्पीड से भगते हैं कोई हद नहीं है। तो फिलहाल असर तो दिखा है, लेकिन 10-15% 20% का असर दिखा है, बाकी मैंने कई लोगों से कहा भी, मैंने कहा महोदय जो है कि डीएम महोदय के आदेश के बाद भी ये पोजीशन है तो अच्छा, बताओ कैसे होगा, क्या भैया नहीं मानते तो क्या, जब अजय इतनी चौड़ी रास्ता हो चुकी तब फिर जाम लगने की अहम वजह क्या है?
इतनी पुलिस रहती उसके बाद भी कैसे जाम लग रहा है। राहुल जी, जो डीएम साहब गौरांग राठी जी ने जो नियम निकाला, जो जैसा कि हमारे प्रकाश में आया सुना हमने, उस हिसाब से तो जैसे कहा गया कि ये जो बीच में बैटरी रिक्शा बंद कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर लोग छोटे चौराहे से, अमूमन छोटे चौराहे से मान लीजिए, क्योंकि गाड़ी चौराहे से मान लेते हैं, कई जगह डाइवर्सन होता है रोडों का, तो इधर उधर आदमी घूम जाना है जाता है, तो उसको ले रोका नहीं जा सकता है। लेकिन छोटे चौराहे से खास करके और बड़े चौराहे के बीच में, कहा जाए कि आईबीपी तक, टंकी तक, इतनी जगह में जो है कि पैदल ही लोग आए तो ठीक है, क्योंकि रोड पे मार्केट है, अगर लोग अच्छा चार पहिया वाहन के लिए कोई रोक नहीं है, ई रिक्शा के लिए कोई रोक लगा रहा है, तो चार पहिया वाहन भी तो वहां पे वर्जित होना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी दरवाजे दुकान के पास चार पहिया गाड़ी खड़ी कर देते, उनसे जाम नहीं लगता है, उनसे भी जाम लगता है, लेकिन रिक्शा वालों से ज्यादा जाम लगता है। अब ये जो ऑप्शन निकाला था इन्होंने की जो है इसमें हाथ वाले रिक्शा चलेंगे, तो ये बहुत ही अच्छी पहल थी मेरे हिसाब से, कि जो ज्यादा कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो लाख डेढ़ लाख रुपए दो लाख रुपए लगा के रिक्शा नहीं खरीद सकते हैं, उनको परिवार राठौर जी कह रहे हैं, हमारे दर्शक हैं वो कह रहे हैं कि भैया ई रिक्शा हर जगह ट्रैफिक जाम करा देते हैं, जहां मनाए लगा रोक देते हैं गाड़ी, सवारी को कहो बीच रास्ते से बिठाने लगे, बीच रास्ते में उतार दें, इसके जैसे जाम ज्यादा लगता है। मैंने यातायात प्रभारी से एक बार बात कही थी राहुल जी, यातायात प्रभारी से हमारी बात हुई, तो और हमने वहाँ की वीडियो फुटेज यहाँ से निकाली थी, मैंने दिखाया, मैंने कहा एक सजेशन सलाह मेरी मेरी तरफ से है आपको, अगर मेरी बात समझ में आए आपको, कि अगर एक रिक्शा चलता भी है तो उसका एक सिस्टम ये बनाए कि आईबीपी के पास वैसे तो नो एंट्री रिक्शा लगा रखा है, लेकिन लोग बीच से घुस जाते हैं, रेलवे स्टेशन से घुस जाते हैं, कचौड़ी गली से घुस जाते हैं, तो बड़े चौराहे से छोटे चौराहे तक एक लाइन में अगर रिक्शा चलाया जाए, जो लाइन से आउट होता है उसका चलान बकायदा किया जाए या उनको दंडित किया जाए, एक लाइन में अगर चले तो कभी किसी प्रकार की किसी को व्यवधान नहीं होगा। सिस्टम बनाना चाहिए, सबसे जरूरी चीज सिस्टम बनाना चाहिए। अगर वो भाई दो रिक्शे की जगह है और दो रिक्शे जब बराबर लगा लेते हैं, तो सबसे मेन चीज जाम का कारण ये होता है कि दो पहिया वाहन जो होता है वो राहुल जी निकल नहीं पाता वहां से, अगर दो पहिया निकल जाए साइड से तो ये वाहन भी निकल जाए, लेकिन वो क्या होता है दो पहिये लगा लेते हैं और तीसरा ऑटो जो आता है वो देखता है झांक कर कि दो के बाद अभी जगह है कि नहीं, तो जो बाइक वालों की जगह होती है बाईं तरफ वो भी बढ़ा के दुकान तरफ उठे लेता है, तो कई बार हमें बोलना पड़ता है। गांधीनगर तिराहे पे ये दिखता है कि एक लगा है, उसके बगल में दूसरा और उसके बगल में तीसरा खड़ा है, तीसरा वाला झांक रहा है कि जगह हो तो मैं अपनी निकाल ले जाऊं, उसमें वो तीनों लाइनें फंस जाती हैं। मैं दर्शकों से चाहूंगा कि वो भी उन्नाव की समस्याओं पे आज हम बात कर रहे हैं, तो उन्नाव की समस्याओं पे वो कमेंट करके अपना हमें बताएं कि उनको क्या लगता है क्या समस्या है। जैसे अच्छा आज 242 करोड़ रुपए की सौगात दे गए हैं उन्नाव में, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है इस समय एक पार्किंग की जरूरत है, जैसा कि आजकल हर बड़े शहर में, हर शहर में कहें करीब करीब ये हो रहा है, मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाई जा रही है, लेकिन उन्नाव में ये छोटा चौराहा से लेकर बड़े चौराहा के बीच में जाम की समस्या है, उसकी सबसे समस्या है कि उन्नाव में मेन मार्केट के आसपास कहीं गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं, किसी ना टू व्हीलर की खड़ी कर सकते हैं ना फोर व्हीलर की खड़ी करने जगह है, लोगों को अगर हम सामान लेने जाए बड़े चौराहे तो हमारे पास ऑप्शन ही यही है कि हमको रोड पर ही गाड़ी खड़ी करनी पड़े, कहीं है ही नहीं पार्किंग। अगर आपको पार्किंग बनाने के लिए इतने दिनों से बातचीत चल रही है, सरैया वाटिका बन चुकी, तो सरैया में एक पार्क बनाया गया, अच्छी बात है, चलो सुंदर पार्क अच्छी बात है वो बन गया, वहां उसी के बगल में डल एक झील बनाने का हो रहा था कि नाव बोटिंग करने के लिए वहां पे झील जैसा निर्माण किया जाए, लेकिन जो समस्या है उसके आसपास कोई नहीं सोच रहा कि जो बीजेपी का मतलब वो कहें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पार्किंग है, उन्नाव सिटी में अगर पार्किंग बन जाए तो मुझे लगता है जाम की समस्या का समाधान ही हो जाए, लेकिन उसके ऊपर कुछ लेके छोड़े चौराहे के बीच पार्किंग का जो सौगात मिली इसमें भी अजय कुछ है क्या, कोई पार्किंग वार्किंग की बात है कहीं? नहीं राहुल जी, ऐसा तो अभी कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जो है छोटे चौराहे से लेकर और आईबीपी के बीच में एक बड़ी पार्किंग चाहे भूमिगत बनाई जाए, बनाना बहुत जरूरी है, जिससे फिर ये थोड़ी सी भीड़ से निजात मिल जाएगी, जाम से निजात मिलेगी। अगर भाई देखो मेन मार्केट उन्नाव वही है तो लोग तो आएंगे ही, अब आजकल पहले जैसे होता था कि लोगों के पास बाइक कॉमन होती थी कि हाँ बाइक आम साधन है, अब सबसे आम साधन बन गया है कार, करीब करीब सभी के पास कार होता है, और अगर फैमिली के साथ शॉपिंग आदमी करने जाता है तो कार ही से जाता है कि हाँ भाई चलो सामान लेने चलो कार ले लेंगे,
सामान इसमें रख लेंगे, तो उन्नाव में कहीं कुछ ऐसा है नहीं। खासकर अगर तो एक सुझाव अगर शायद तो अमल करना चाहिए जो उन्नाव प्रशासन है, तो उन्नाव में एक बस स्टॉप है, अगर इस बस स्टॉप को हाईवे पर शिफ्ट कर दिया जाए और ये जो बस स्टॉप की जमीन है अगर यहाँ मल्टी लेवल कार पार्किंग बना दी जाए, तो ये मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया कदम होगा, ऐसा कदम होगा जिससे उन्नाव के लोगों को जाम की समस्या से निजात मिल सकता है, क्योंकि बस स्टॉप के पास वो उन्नाव की सभी अहम मार्केट के सबसे पास है, वहां पे बनाने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही ऑप्शन है। और बस स्टॉप अगर शहर से बाहर हो जाएगा तो जो बस आती है उनके वजह से भी जो जाम लगने का होता है वो भी ठीक हो जाएगा। अगर उसे हाईवे पे सरकार के पास तो जमीने हैं, वो तो होगी ही कहीं ना कहीं। पहले एक बार इस चीज की चर्चा भी शायद चल रही थी कि उन्नाव का बस स्टॉप को हाईवे पर शिफ्ट किया जाएगा ताकि बसों को अंदर आने और जाने में जो तकलीफ होती है, समस्याएं होती है, क्योंकि वो भी जाम में फंस जाती हैं, तो जैसे बस भी देरी में हो जाती है, लेकिन फिर इसके बाद लगता है कि मामला ये ठंडे बस्ते में चला गया, किसी ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। बिल्कुल ये हो जाए तो मुझे लगता है बहुत तमाम हल्का हो जाए। और दूसरा चीज दुकानदार जो रोड पे सामान रख देते हैं उनके ऊपर भी थोड़ा सख्ती जरूरी है। इतनी बड़ी बड़ी दुकानें होती फिर भी वो रोड पे ही सामान पता नहीं क्यों लगाते हैं। राहुल जी कई बार हो चुका है नगर पालिका के द्वारा यहाँ से लेके वहाँ जिला अस्पताल तक बराबर एक बार गुमटियों को हटा दिया जाता है, दोबारा वो फिर किस हिसाब से लगा लेते हैं मेरी समझ में नहीं आता, किस तरह हटाया जाता है, मतलब फॉर्मेलिटी के तौर पे हटा दिया जाता है, उसके चालान कट जाते हैं। फॉर्मेलिटी के तौर पे हटा देते हैं भाई, पुलिस तो सभी टाइम रहती है ना चौराहे पर मौजूद, तो फिर कैसे पुलिस के सामने कैसे गुमटियां लग जाती, दोबारा कैसे लग जाती, दुकानदार कैसे अपना, जिनकी दुकानें भी है मैं कहूँ जिनकी पक्की दुकानें मैं देखता हूँ वो भी अपना सामान रोड पे रखते हैं। बिल्कुल ये तो प्रशासन लगी है तो कैसे वो लग पड़े तुरंत, उनको क्यों नहीं उस चीज से मना किया जाता है। ये तो प्रशासन कुछ दिन के बाद वही मान लीजिए किराया जैसा लेता है वो। एक तरीके से जब कुछ होता है तब सख्ती पे आते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं भाई चलो ठीक है चलो रखो कोई बात नहीं, एक लाइन से चलान कर गए उसके बाद एडवाइजरी जारी करके हटाइए हटाइए आगे हटा दिए और दो दिन बाद फिर लगा दिए, चार दिन बाद फिर लगा दिए। अब बड़े चौराहे में तो खासकर ये है कि इसकी दुकान अंदर जितनी है उतनी ही दुकान वो बाहर रोड पे लगाए हुआ है, फुटपाथ तो दिखता ही नहीं है कि फुटपाथ चलने वाला दिख जाए कि यहाँ फुटपाथ कहाँ है, रोड पे चलना मजबूरी है आदमी की। उन्नाव में हम इस चर्चा को अब थोड़ा यही समाप्त देंगे, लेकिन हम इस तरह के बीच में चुनावी चर्चा करते रहेंगे। उन्नाव में सीएम योगी आए 242 करोड़ की सौगात दी, अब ये सौगात गाँव गाँव के लिए है, गाँव के सड़कों के लिए है, कितना अमल होगा ये तो देखने की बात रहेगी। बहरहाल उन्नाव में दो कैंडिडेटों के बीच में टक्कर है, बीजेपी की तरफ से साक्षी महाराज को टिकट दी गई है और ऐसा लग रहा है कि भाई उनका पलड़ा भारी है, सपा से अनु टंडन जी को टिकट दी गई है और वो भी अपना दावा तो भर ही नहीं है, लेकिन ये टक्कर कितनी जबरदस्त होगी कि आने वाला वक्त बताया जाएगा कि किस सपा कितनी जोरदार होती है। अखिलेश यादव भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे अपने कैंडिडेट आने में, वही मोदी जी तो लगे ही हुए हैं हर जगह रैली कर रहे हैं और उन्नाव में भी रैली होगी जरूर ऐसा सुनने में आया है। जब चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी तो मोदी भी आएंगे, अमित शाह भी आएंगे और भी बड़े बड़े नेताओं की रैली होगी। इसी तरह से हमारे संवाददाता अजय द्विवेदी जैसे उन्नाव की रैली गए हैं, ये आपको झलकी भर हम दिखा रहे हैं, उन्होंने वहाँ पर कुछ लोगों से भी बातचीत की, उस बातचीत लोगों ने क्या कहा है वो भी हम आपको जल्द ही उसका वीडियो डालेंगे, तो आप उसको देखिएगा उसको कमेंट कीजिए। एक कोई अननोन है उन्होंने कहा है कि बीजेपी का चाटुकार हम लोगों का है, और मुझे लगता है अगर उन्होंने पूरी ये सभा बातचीत सुनी होगी तो हम लोगों ने सारी कमियां ही बताई उन्नाव की, अब इनको कैसे लगा बीजेपी का चाटुकार हमें समझ नहीं आया। ठीक है दर्शक है कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर देखेंगे हम बीजेपी के समर्थन या विरोध की बातचीत कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं कि उन्नाव में क्या क्या कमियां हैं, 10 साल हो गए हैं, एक उन्नाव में पार्किंग की जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो अभी तक कहीं कोई नामो निशान नहीं, कोई वादा नहीं। शायद साक्षी महाराज को चाहिए कम से कम इस चुनाव में अपने जब वादा करें तो ये चीज का वादा करें कि हाँ उन्नाव में हम एक पार्किंग जरूर से जरूर बनाएंगे, क्योंकि उन्नाव केंद्र, उन्नाव शहर मेन केंद्र में है, तभी लोग उन्नाव जरूर से जरूर आते हैं, चाहे बैसवारा से हो, चाहे पुरवा से हो, चाहे बागनमऊ से हो, चाहे माखी से हो, सभी लोग फतेहपुर चौरासी से हो उन्नाव जरूर आते हैं, अगर कुछ भी उनको ज्यादा बेहतर खरीदना होता है।
तो वो उन्नाव का रुख करते हैं। उन्नाव में पार्किंग के लिए बहुत जरूरत है कि पार्किंग बने। बाकी और भी विकास कार्य जो फोटो सेशन वाले फोटो सेल्फी पॉइंट बनाए गए उनका रख रखाव पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और बाकी जो समस्या है सड़क, मोहल्लों की सड़कें बहुत खराब हैं, पानी की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था, इन सब पर भी ध्यान देना चाहिए। जनता जिसे वोट देना चाहेगी वो तो देगी ही, लेकिन उधर अगर ध्यान दे दें क्या शायद जो पब्लिक है वो मोदी से तो खुश है तो बाकी लोगों से नाराज है, विधायकों से नाराज है, आप सभासदों से नाराज है, उनकी नाराजगी खत्म हो जाए अगर उस चीज पे काम हो जाए। बाकी पब्लिक को तो है, जिसको जिताना चाहेगी वो तो जिताएगी, वो तो लोकसभा चुनाव गया। इसी तरह कोशिश करेंगे हर दिन हम लोग चर्चा करें और जो भी कुछ अगर पॉलिटिकल के तौर पर नया आएगा। बिल्कुल अर्जुन राठौर बिल्कुल सही बात, एक दर्शक चलो सही कम से कम समझे, उन्होंने सुना बात को, वो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। वही हम कह रहे हैं कि उन्होंने लिखा बीजेपी का चाटुकार, तो हमने लिखा रहे कि भी सभा तो उसमें है चर्चा में, कहीं हम लोगों ने बीजेपी तारीफ तो नहीं की। हाँ कमियां जरूर बताई, और तारीफ या बुराई की बात नहीं है, कमियों की बात है कि हाँ उन्नाव के हम हैं, उन्नाव के अजय हैं, उन्नाव की पब्लिक है और उन्नाव के लोगों को क्या चाहिए ये जरूरी चीज, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। प्रदूषण लेवल बहुत ज्यादा है, फैक्ट्रियां जो चिमनियों से निकलने वाला धुआं है वो इतना खतरनाक होता है, उसके कोई ध्यान देने वाला नहीं है, जो भूसी जलती है, चमड़ा फैक्ट्री ज्यादातर है और स्लॉटर हाउस है उन्नाव में, ये सबसे ज्यादा बहुतायत है। स्लॉटर हाउस के आसपास रहने वालों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, बदबू इतनी भयंकर आती है, पानी उनके यहाँ प्रदूषित हो जा रहा है, लोग परेशान है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस पर भी ध्यान देने की बहुत सख्त जरूरत है। और बहुत जल्द हम इस पर एक स्टोरी, अच्छी खासी स्टोरी करने वाले हैं, जो गाँव के लोग परेशान हैं स्लॉटर हाउस की वजह से समस्याओं को दिखाते हुए। अजय बहुत जल्द थोड़ा सा अस्वस्थ है, इस वजह से काम नहीं कर पा रहे, जैसे ही स्वस्थ होंगे हम लोग इस पर एक बेहतरीन स्टोरी बनाने का प्लान कर रहे हैं, और आपको कोई देखेंगे तो आपको कहेंगे हाँ सही बात के लिए आवाज़ उठाई है। चलिए अजय बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे जुड़े, और आपकी स्टोरी बहुत जल्द हम वाली लगाते हैं जिसमें आपने जनता से बात किया, कुछ देखेंगे कुछ मजेदार बातें उसमें भी निकले ताकि लोगों को अच्छा लगे। कुछ है उसमें मजेदार, जनता का कुछ रुख पता चला? हाँ हल्का सा रुख पता चला है, लेकिन ज्यादातर बीजेपी के लोग थे क्योंकि जनसंख्या कम थी, इसलिए उस हिसाब से वो थे, वो लोग वहां पे लेके लोगों को आए थे। जितने उम्मीद लेके आ गए कि थोड़ा रैली में मजा आएगा, वैसा कुछ माहौल मिला नहीं, मिला नहीं। राहुल जी एक और है कि मैं एक कैंपेन भी चलाने जा रहा हूँ जिसमें कि किसी गांव की कोई समस्या है तो उसको हमें फोन करके हमें बता सकते हैं, अपने लोग इकट्ठा कर सकते हैं, किसी गांव की अपनी समस्या है, जो जटिल समस्या है, जो सरकार से चाहते हैं कि सरकार तत्काल व्यवस्था यहाँ की करे असुविधा के बारे में, उसके लिए आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, हम के यहाँ जाके कवरेज करके और सच्चाई जनता तक लाने का प्रयास करेंगे, अधिकारी को बताने का। हमारी कोशिश होती है कि हम जो भी मुद्दे हों उनको उठाएं और आप तक जनता तक पहुंचाएं, अधिकारियों तक पहुंचे और उस पर अमल हो ताकि कुछ अच्छा हो सके उन्नाव के लिए। इसी तरह से हम उन्नाव से जुड़ी आप तक सभी राजनीतिक गतिविधियां, सामाजिक समस्याएं पहुंचाते रहेंगे, देखते रहिए यूट्यूब ही। नमस्कार। नमस्कार अजय। नमस्कार राहुल जी। नमस्कार।